नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु म चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस ओडिसा रे पुणी 6000 ऊपर को देछि कोरोना संक्रमण राज्य रे मोट 6500 आक्रांत चिन्हट खोर्धा रो सर्वाधिक 958 नुआपडा रे 551 पुणी मुंड नेला महामारी 9 राजधानी रे बीएमसी रो स्पेशल ड्राइव घर घर बुली लोकंक तथ्य संग्रह सहित स्वास्थ्यगत समस्या बुझिचंती टीम फोकस रे बस्ती अंचल भुवनेश्वर रे 67 वार्ड रे चली द्वितीय पर्याय अभियान आज स्वर्गद्वार उपरे लागिला कटकणा पुरी छड़ा अन्य जिलार लोकंक शबदाह मना समुद्र कूल रे अस्थि विसर्जन नहीं मध्य गाइडलाइन परवर्ती निर्देश न आसिबा पर्यंत बलवत्तर रहिबो नियम थमुनी मा हिंसा झारखंड सीमा चक्रधरपुर लोटा पहाड़ निकट रे विस्फोरण ट्रेन लाइन उड़ाइले लालबाहिनी बॉम्बे हाइवा लाइन रे ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त सेपटे सुकुमारे जाड़ीदेले 8 मालवाही ट्रक भोट देउछि पश्चिमबंग सप्तम पर्याय निर्वाचन जारी 34 आसन रे 268 प्रार्थी भाग्य निर्णय करुछन्ति भोटर रायगढ़ ब्रह्मपुर मुकुंदपुर घाटी रे दुर्घटना विलंबित राति रे बस ओलटी 7 गुरुतर जयपुर यात्री को नै नयागढ़ जाउथिला घरे बस गुरुतर को उद्धार करी जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती कला पुलिस शेषे ततला कड़ई में भाजी होड़शा तीन जिला को हिट वेव जारी नयागढ़ कटक और खोर्धा जिला को वार्निंग भुवनेश्वर में 42 डिग्री टपिला तापमात्रा एथर संपूर्ण खबर ओडिशा रे पुणी 6000 ऊपर को डिंछि कोरोना संक्रमण आज राज्य रे मोट 6500 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्ति आक्रांत को मध्यरु खोर्धा रे सर्वाधिक 958 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति एने स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना रहिछि खोर्धा व्यतीत नुआपडा रे 551 कलाहांडी 518 कटकपुर 488 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति झारसुगुडा 436 सुंदरगढ़ 434 गंजाम 323 जाजपुर 235 संबलपुर 226 नवरंगपुर 221 बरगढ़ 203 स्टेटपुलर 201 आक्रांत चिन्हट होती पुणे 9 मुंड नहीं महामारी मोट मृत्यु संख्या 1997 को वृद्धि पाई द्रुत संक्रमण दृष्टि बीएमसी पक्ष स्वतंत्र अभियान घर घर बुली लोकंक तथ्य संग्रह सहित स्वास्थ्यगत समस्या बुझिछंती टीम यहासह तहार आशु समाधान उपरे गुरुत्व देउछंती बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी निर्देश क्रमे बीएमसी समस्त 67 वार्ड आरंभ होई अभियान प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र को गोटे गोटे यूनिट भाव ग्रहण कर त्वरान्वित अभियान में बस्ती अंचल को फोकस रखी भुवनेश्वर में मोट 377 अंगनवाड़ी केन्द्र थे 436 बस्ती चिन्हट होई कार्य 450 कर्मचारी नियोजित रही तथ्य संग्रह करुछन्ते प्रत्येक टीम रे जणे अंगनवाड़ी कर्मी जणे आशाकर्मी और जणे बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी सामिल अछन्ते प्रथम पर्याय 436 बस्ती रे 281758 परिवार तथ्य संग्रह हो सारी वर्तमान द्वितीय पर्याय तथ्य संग्रह जारी रही तथ्य संग्रह समय परिवार सदस्य संख्या वृत्ति टेलीफोन नंबर 50 वर्ष अधिक वयस्कों संख्या सदस्यों ट्रावेल हिस्ट्री और किसी लक्षण पर स्वास्थ्यगत समस्या आदि तथ्य संग्रह तथ्य संग्रह पर टेलीफोन जगे नियमित व्यवधान में जोजोग कर संपर्क स्थापन कर अपडेट तथ्य संग्रह कर भारत में कोरोनार द्वितीय लहर संक्रमण चली द्रुत गति में आक्रांत संख्या बढ़ी चली स्थिति जटिल होबार लगी देश में अम्लजान संकट बड़ समस्या पलटि तबे विश्वर अनेक देश भारत को सहयोग हाथ बढ़ाई भारत में कोरोना संकट नहीं आमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते जिते आमेरिकार महामारी संकट देखाई भारत आमको सहायता कर भारत यह आवश्यक समय आम सा स्थिर करे फ्रांस भारत को अक्सीजेन जोगाइबार सहायता कर गत दुई मास धरी आमेरिका भारतीय कंपनी सेरम इन्यूट कोरोना टीका कोविशील्ड व्यवहृत कंचामाल जोगाण बंद रखी तबे वर्तमान अमेरिका तुरंत कंचामाल जोगाइबा को प्रस्तुत अच्छी तेणु कोविशील्ड टीका उत्पादन शीघ्र बढ़िबो राज्य में कोरोना संक्रमण में ब्रेक लगाइबा को समस्त सहरांचल में लगी सप्ताहत सटडाउन शेष होइछि फलरे आज सका सहरांचल गुड़िक जीवन यात्रा स्वाभाविक भाव आरंभ हो कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी 30 जिलार समस्त सहरांचल में यह सटडाउन कर विशेषकर राजधानी भुवनेश्वर कटक समेत बहु बड़ बड़ सहर म्युनिसिपालिटी और एनएससी अंचल भी सप्ताहत सटडाउन प्रभाव पड़ी केवल अत्यावश्यक सेवा व्यतीत अन्य कार्यक्रम को अनुमति नास्ता और बजार घाट खाँ खाँ था व्यस्त बहुत सहरांचल में लग रही सुनसान परेश देखा
तबे संपर्कित अधिक सूचना पई सीधासलख आम सहित जोड़ी होती कटकु आम प्रतिनिधि विश्वजित जोड़ी होती विश्वजित जेहेतु दुई दिन धरी सप्ताहत सटडाउन लग रही आज जिते स्थित स्वाभाविक होण रही पूरा कटक चित्र निश्चित भाव देखते सप्ताह तो सटडाउन दुई दिन जो बंद रही है लोक संपूर्ण भाव मानी थे घर बाहर नए समस्त दुकान बजार बंद था आज सप्ताह तो सटडाउन रोहल हो कटक उठी जाए सकाल आम देखु छत्र बजार किसी भिड़ जमी पर मार्केट में मुझे देखे आपको प्रथम पर मार्केट दृश्य जो छत्र बजार रही से दृश्य आपको देखे देखते जो सटडाउन उठी जाए लोक टी पर किसी भिड़ रही है सामान्य पुलिस मुतयन रही जो मैंने चेकिंग करो मैंने मास्क पिंधना सोसाइटा रखुना से पुलिस मुतयन अच्छा छत्र बजार जो कमिटी रही पूरा दृष्टि माइक जो प्रचार कर जो ग्राहक मैंने आसवे से मैंने मास्क न पिंधे से पर दिजे से कटक छत्र बजार पर संघ व्यवसाय पक्ष कि भिड़ जमी आए प्रशासन पक्ष तत्पर देखा कि भिड़ जमीन कारण देख दुई दिन बंद है सामान्य भिड़ तो जमि कारण दुई दिन है बंद था लोक मैंने कोरोना आसी गत वर्ष से समय कटक छत्र बजार जेहेतु कम संकीर्ण जगह से लोकों भिड़ जमे से बादामबाड़ी को पूरा परिवा मार्केट उठी आसीला किंतु वर्तमान जदि से ही जगार व्यवसायी मैंने बसुंचे निश्चित भाव से जनगहली तो हे निश्चित देखो छत्र बजार व्यवसाय संघ पक्ष आम प्रतिक्रिया ना चेस्ट करते सी कहते आम छत्र बजार को एक्सटेड करूँ मातृभवन आड़ कि परियाबला स्थानातर करेतु भिड़ जमुला छत्र बजार गोटे जगार से एक्सटेड कर मार्केट को जबली भिड़ देखा जाए से भिड़ देखा मिलना कारण देखो जदि भी भिड़ जमी दुई दिन जो सटडाउन रही है से मार्केट जो बंद रही है लोक मैंने सामान्य भिड़ करु पुलिस मुतयन अच्छा जो भी सामाजिक दूरता रखिए मास्क पिंधे जो मास्क पिंधा से जोरीमाना आदाय सब प्रकार व्यवस्था कि बड़ कथा हूँ जिला प्रशासन पक्षर मैं आउ कटक जारी करार अच्छी कारण लोक टे भिड़ जमुंत आगे कथा लोक सचेतन आवश्यक देखो जिला प्रशासन पुलिस तो कर सचेतन कि लोक मैंने सचेतन आवश्यक लोक सचेतन ना निश्चित भाव कोरोना संक्रमण वृद्धि पाव आज देखते एप्रिल मसर सब रेक भांगी कोरोना आज 488 कटक सहर में कोरोना संक्रमित चिन्ह होती कटक जिले में देखो एप्रिल मस 488 केवे होता आज प्रथम थर पर 488 मानने 500 मुहा है कोरोना आक्रांत जदि लोक सचेतन नुहत निश्चित भाव आगे को संख्या बढ़ो और भयंकर परिस्थिति सृष्टि हो कटक केवल प्रशासन बा पुलिस प्रशासन दृष्टि दब ता नुहे लोक सचेतन आवश्यक रही लोक सचेतन हेले ही ये सब दूर करपर निश्चित भाव देखु प्रशासन पक्षर तो कटक जारी कर छत्र बजार व्यवसाय संघ तो कटक जारी कर लोक सचेतन ना आम जो रही कोरोना आम रोकवा कष्टर हम निश्चित भाव में विश्वजित किसी लोकों प्रतिक्रिया ना व्यवसायी प्रतिक्रिया ना व्यवसाय कि चली लोक कौन प्रतिक्रिया रखुं वर्तमान जो कटक लागू कर निश्चित भाव आम सहित छत्र बजार व्यवसाय संघ संपादक अच्छा देवेंद्र साहू तक सहित आम आलोचना करवा सर कौन व्यवस्था कर दुई दिन सटडाउन था टी भिड़ बढ़ी पुलिस मुतयन छत्र बजार व्यवसाय संघर कौन व्यवस्था करमर छत्र बजार व्यवसाय तरफ कॉविड्र जहाँ नियम जे आम डिस्टान्स मेन्टेन करवा देख ये छक पाकटा के फांका रही पूरा ये छक पाकर आम उठे दी सैड की देचु आम जो रिटेल मार्केट आमर माइक द्वारा भी आवेरनेस कर सका खरा बेले सन्दा बेले आउ समस्त सचेतन करमर भलेंटियर मैंने भी लगिकी जितने टी अत्यधिक गाड़ी फाड़ी लोक तो जावासिया कर तो रास्ता रही दुई दिन जो सटडाउन था भिड़ पड़ी ये जो सटडाउन देखते जितने सटडाउन था दु दिन आगुरी जोटा सब जगह मानते बढ़ टाउन सारा देखूँ जेकोसी मंडी देखूँ एट स्वाभाविक कथा तापर का सटडाउन दु दिन अच्छी आउ का एक्सटेड नहीं जब कि लोक मान ये दु दिन से टे हुए सामान्य भिड़ से भिड़ कहनी कि बर्तमान जहाँ रही पुलिस प्रशासन ड्यूटी करमर सब विभिन्न जगह जैसे मंडी सब अच्छे आम छत्र बजार सी भी आम कर्मकर्ता मैंने से आवेरनेस कर लोक माइक द्वारा आ बुलिकी आड़ एक्सटेड कर सैड की जो भिड़ा देखते छक पाकटा के फाका अच्छी से दी सैड की सिफ्ट करूँ जेहेतु आम गैप कर देचु डिस्टान्स मेन्टेन करूँ जहाँ कि जो छक पाकर जो भाई आग भाई भिड़ होता टोटाली ना आपे देखु तेणु यहीटा छत्र बजार जो व्यवसायी भाई जो मैंने आसान सहयोग
पुलिस प्रशासन मुतयन होती ग्राहक मैंने जो व्यवसायी रही समस्त भितर कौटि ना कौटि सचेतन देखा मिलूँ और जहाँ व्यवसायी संघ तरफ जी सभापति रही थे जहाँ प्रतिक्रिया रखुते एक्सटेंड कर मार्केट को कि जनगहली को एड़ा जा पार बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत आप समस्त चित्र एवं सूचना पाई। पुणी युक्त दुई परीक्षा बातिल पाई राज रास्ता को ओल्लाइंट छात्र छात्री सीधा सड़क जा लोअर पीएमजी को लोअर पीएमजी रु आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि चिन्मयी जोड़ी होती चिन्मयी जो भाई भाव में मैट्रिक परीक्षा बातिल करागला वर्तमान युक्त दुईर छात्र छात्री जिद्रे अटल जे से परीक्षा को बातिल कौन से दाबी रखुं निहाती भाव में चिन्मय आम जी कह पूर्वर दशम श्रेणी पिलामानंकर एग्जाम को बातिल करा जायतिला आज राजरास्ता को ओल्लाइंट प्लस टू छात्र छात्री जेहेतु सेमानंकर ऑनलाइन क्लास चलता सेमानंकर जहाँ दाबी रही कि पूर्वर सबुतिक ऑनलाइन क्लास करना क्लास रूम रे मध्य से भल से क्लास करना से चाहते कोरोना महामारी समय परीक्षा को बातिल कर दि जाऊ आम सहित छात्र छात्री मैंने अच्छा आम सीधा सड़क छात्र छात्री मान प्रतिक्रिया ने भाई कौन कहे जो आपने आप दाबी कौन रही दाबी आम रखीचु प्लस टू एग्जाम बातिल करमर दाबी ये रखीचु आज जो तीन मस मेन फोकस होनि मस जो परीक्षा परीक्षा पूर्व तीन मस देते पढ़ापाई पिला सफिसीय टाइम पाइना पढ़ापाई आज जो तीन मस रु 40 दिन 50 दिन क्लास होती गोटे गोटे दिन में गोटे गोटे चैप्टर सरी तो एमती पिला कि बुझी पार ना परीक्षा देवे कौन आउ जदि आम कह गवर्नमेंट को आम जब आम बुक दौ तीन मस बुक दौ तीन मस कम्प्लीट करके एग्जाम दे पार्छन तेल आम भी पार्बू कि असुविधा नहीं जमी टेन्थ पिला कैनसल हो बोर्ड एग्जाम कैनसल होमें भी दाबी रखुचु प्लस टू सेकेंड बोर्ड एग्जाम कैनसल हो आमर दाबी यहाँ रदि आम कथा न शुणे तो आग को तीव्र रूप नाक जाऊँगी जदि निष्पत्ति ना आम आग को बड़धर ये करूँ विभिन्न कॉलेज छात्र छात्री मैंने दावी रही दशम श्रेणी पिला परीक्षा को बातिल कर दी जाए से परीक्षा बातिल जो छात्री अच्छा सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना एग्जाम भाई आम एग्जाम डेट घुंचे घुंचे आम टू इयर्स पाठ पढ़ु टू इयर्स भितर थे भी एग्जाम है फर्स्ट ईयर एग्जाम है ना थला कि सेकंड ईयर एग्जाम मे 18 ने थला मे 18 डेट पोस्टपोन्ड है पोस्टपोन्ड है कते पोस्टपोन्ड हबो आमे एई कोरोना सिचुएशन जे जून रे कमी आइथियो बोली किछि गारंटेड केही भी देई परबेनी आमे जदि इलेक्शन पई जदि डिसिजन हेई परुचि त हम एग्जाम मे का डिसिजन हेई परुनी देन ऑनलाइन क्लास जतिक भी हेतला ऑनलाइन क्लास आमे सिने टाउन रे रहिजो हम आमे ऑनलाइन क्लास कर देलु समस्त पाखरे फोन नै गवर्नमेंट जदि 10th क्लास पिला को बुकलेट देई परुचि देन प्लस 2 पिला को काई बुकलेट देलानी देन आपरे जो कहला 30% कमे बोली 30% तो कमी ओनली 10% ही कमी मेन सब्जेक्ट रे तो किसी भी कमी देन तापरे जत बेले कहला कि ऑफलाइन क्लास हम 100 डेज 100 डेज पिला अंडरटेकिंग नहीं गार्डियन मानकर अंडरटेकिंग नहीं कि क्लास करवाक कहला तो सब गार्डियन तो पिला को छाड़बे नहीं जेतु कोविड सिचुएशन जतिक भी कहला अधिक क्लास हैनी अति बेसी रे 50 डेज भी क्लास हैनी सो आमे एग्जाम केमिति दबु ऑनलाइन क्लास नो दाबी जदी पूर्ण न बागम दिन हमें दाबी हमें तो एबे बातिल करिया को हमें दाबी करछ हमें दाबी यदि पूर्ण न हमें एठ उठिबो चिन्मय आपण जहाँ छात्र छात्री मान प्रतिक्रिया शुणुते पे दाबी रही है जेहेतु पूर्वर से भलसे ऑनलाइन क्लास करेतु से बुकलेट मिलनी जमी दशम शुणुते छात्र छात्री मैंने जो अभियोग आणुंट सठिक भाव से कोर्स जो पाठ पढ़ा सठिक भाव में होना ऑनलाइन रे किसी पिला फैसिलिटी पाई पाठ पढ़वार आउ किसी पाईना एवं जो 30% कहला कोर्स ऑफ स्टडीज रो सब्जेक्ट को कमा जावाई ता मात्र 10% होनेक से अभियोग रही कि चिन्मयी वर्तमान प्रतिक्रिया नियंतु वास्तविक भाव में ये सबूपाई कौन गोटे मात्र विकल्प व्यवस्था जे विकल्प रही केवल एग्जाम बातिल हबा ना आउ किसी व्यवस्था रही निहाती भाव में आम छात्र छात्री मान प्रतिक्रिया ना आप जो एग्जाम रही जदि आपको केवल कौन आपको लगुच एग्जाम बातिल हो गला आप प्रोब्लेम सल्यूशन हो कि प्रतिकार व्यवस्था आम चाहूँ कि आमको ऑल पास कर जो मैंने प्लस थ्री करेंगे से मैंने निज कलेज करूँ आज जो मैंने चाहूँ कि हायर सेकेंडरी करेंगे कि किसी भी एंट्रेंस रखा से कोविड पर एग्जाम दे कि पास करेंगे जीक मार्क जी रखे सी भल कलेज पाठ पढ़ आ छाड़ा
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଲା, ଆମକୁ କରୋନା ହେବନି, ଆମକୁ ତ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଇନୁ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁକ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେମିତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା? ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ବୁକ୍ଲେଟ୍ ବି ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର କାହାକୁ ଦେବେ ଦାବି? ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ। ଯଦି ସିଏ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଶୁଣିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ଡିସିସନ୍ ଦରକାର। ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ବା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ହାମ୍ପର ଆସିବ। ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କର 30% କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ କମାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ 30% ସବଜେକ୍ଟକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଏନି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଫୋନ୍ର ନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ସ ସେଭଳିଆ ସରିନି। ସେମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେକୁ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ହିଁ ସରିନି, ତ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କିଭଳି ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ଯଦି ସମୀର ଦାସ ଟିକା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହେଇପାରୁଛି, ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଭୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ମୁକାବିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ତୁମକୁ ଯଦି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ନ ହୁଏ ତୁମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି 100-200 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ବାତିଲ ହେବ, ସମଗ୍ର 400,000 ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ବାତିଲ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବୋଲି? ବାତିଲ ନ ହୋଇକି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ? ବିନା ବାତିଲ ଆଉ କିଛି ବି କରିହେବନି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଉଭୟ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କଲେଜ ହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ 100 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ 365 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ 100 ଦିନ ସରିଯାଇଛି କି? ତେଣୁ ଆମର ଶେଷ ଦାବି ହେଉଛି କି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି କି ଯେହେତୁ ବର୍ଷକର ପାଠ 100 ଦିନରେ ସରିବା ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, ଏବଂ 30%ର ପାଠକୁ ଯେହେତୁ 10% ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଥମୁନି ମାଓ ହିଂସା, ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ରେଳ ଧାରଣା। ରାଉରକେଲା ସୀମାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁର ନିକଟ ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁର ନିକଟ ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳ ଧାରଣାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପ୍ରାୟ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ, ଯାହାଫଳରେ ହାଓଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଭାୟ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଲୱେ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମିୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମିୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ, କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଯୋଉ ସକ୍ରିୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଯୋଉ ହାଉଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କୁ ପାଖାପାଖି 1 ମିଟର ରୁ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ, ଯେହେତୁ ଏଟା ମୁମ୍ବାଇ ହାଉଡ଼ା ମେନ୍ ଲାଇନ୍, ତେଣୁକରି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ କଥା କହିବା, ଆମେ ରାଉରକେଲା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ସିକେଟି କଥା କହିବା, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ, ଠିକ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଛାଡିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କି 26 ତାରିଖ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡାଇ ଦେବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏବେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ତ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆଉ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଘଟଣାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉଡାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ ବିଛା ହେଇଥିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଟଣାର ଯୋଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୟନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯେମିତି ରେଳ ଧାରଣା ବିସ୍ଫୋରକ ରଖାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ଡାକରା କିମ୍ବା ଯୋଉ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ଯିଏ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଚିନ୍ମୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୟ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଯଦିଓ ବୈଠକ ବସିଛି, କ'ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଦମନ କରାଯିବ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।